हम ये जंग हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास एक ऑप्शन बचा है। हाय एवरीवन, स्वागत है टेस्ट कैन हेल्प। और आज का वीडियो में आप लोग को बहुत ही बड़ा एक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मूवी का नाम है गरखा। और इस गरखा मूवी में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अक्षय कुमार को, और अक्षय कुमार जिसका रोल निभाएगा 1971 में इंडिया पाकिस्तान में जो झगड़ा हुआ था और उसमें क्या क्या हुआ था उसी के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो उस झगड़ा में मेजर जनरल एन कोडरदा का साथ जो हुआ था, अपना पेट खुद आप काट लिया था, यानी खुद अपना पैर काट लिया था, तो उसी का रूल ये अक्षय कुमार निभाने जा रहा है दोस्तों। मूवी का अनाउंसमेंट बहुत दिन पहले ही हुआ था, लेकिन इसका जो डायरेक्टर है इसका काम थोड़ा ड्रॉप रखा था, तो अभी इसको मतलब शूटिंग शुरू करने वाला है। तो डायरेक्टर का ये है डायरेक्टर जिसका नाम है झांझू प्राण सिंह चौहान, तो ये इस मूवी को डायरेक्ट कर रहा है यानी। तो फ्रेंड्स, मूवी का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1971 में हुआ जो हादसा यानी झगड़ा हुआ था उसके बारे में दिखाने जा रहा है। तो मेजर का जो पैर अपना खुद से ये काट लिया था, यानी डॉक्टर जब इसका चिकित्सा नहीं कर पाया था, इलाज नहीं कर पाया था, उस टाइम इसने क्या किया था, और उसी का जो कहानी इस मूवी में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम रखा है गरखा दोस्तों। तो गरखा मूवी को अभी आप लोग को कब तक देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ा आइडिया दे दूँ आप लोग को, जैसे कि 2023 में एंडिंग में, नहीं तो 24 में आप लोग को शुरुआत में देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। इसका अभी तक शूटिंग चालू नहीं हुआ दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार साल में 4-4 मूवी निकलते रहता है, तो इस मूवी का शूटिंग भी 3-4 महीने में ख़त्म कर देगा। जैसे ख़त्म हो जाएगा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, और न्यू अपडेट मिलते ही आप लोग को बताऊंगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सुस्त रहे, हमेशा खुश रहे। बाय बाय एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।